तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं टेक्स्ट कैटेगरी में टेक्स्ट के बारे में। तो हम कोई भी करेक्टर लिखते हैं तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कोड का। कोड का फॉर्मूला क्या करता है? कोड का फॉर्मूला करता है किसी भी करेक्टर को कोड में कन्वर्ट। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए, एक अच्छा इसने 65 दिया, मतलब ए को कंप्यूटर जो है 65 के नाम से जानता है, स्मॉल ए को 97 के नाम से जानता है। ठीक है, फिर वापस अगर मैं कैर का फॉर्मूला देता हूँ, स्काई वैल्यू कहते हैं, अमेरिकन स्टैंडर्ड कुछ ऐसे करेक्टर है, पता नहीं, याद नहीं यार, वैल्यू याद नहीं है इसका फुल फॉर्म। तो कैर फॉर्मूला वापस इसको करेक्टर में कन्वर्ट करता है। अब इसका यूज क्या है? अब इसका यूज जो है हम बात करेंगे आपके साथ आगे, अभी थोड़ा सा आगे। उसके बाद हम बात करते हैं कि कभी कभी क्या है कि हम जब हमारे पास कोई डेटा आता है तो उसमें कुछ अनवांटेड स्पेस होता है, जैसे सुजीत कुमार के बीच में हमने स्पेस लिख दिया, या स्पेस के साथ बहुत सारे स्पेस के साथ सुजीत लिख दिया, या सुजीत लिखने के बाद बहुत सारे स्पेस लिख दिए। कई बार इंटरनेट से कहीं और से डेटा निकालते हैं तो इस तरह का डेटा आ जाता है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ट्रीम का। ट्रीम फॉर्मूला जिस पे लगाते हैं तो क्या करता है, अनवांटेड स्पेस को कर देता है रिमूव, एंड अनवांटेड स्पेस को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। लेकिन ध्यान ओके रखिएगा, अनवांटेड स्पेस को रिमूव करता है, ना कि स्पेस को। सुजीत और कुमार के बीच में एक स्पेस होना चाहिए तो यहां पे छोड़ दिया। कई बार क्या होता है कि हम लोग नाम लिखते समय ऑल्ट एंटर यूज करते हैं, ऑल्ट एंटर कुमार, तो ऑल्टर क्या हुआ, इसको बोलते हैं रैप, बोलते हैं सर रैप, ऊपर रैप टेक्स होता है ना, ये क्या होता है जब इसमें ओल्ड हम, एंटर हाँ ऑल्ट एंटर, इसमें अगर हम ट्रीम का फॉर्मूला लगाते हैं तो आपका एक सीट में दिख जाता है। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम क्या, कि जब यहाँ हम लेन का फॉर्मूला लगाते हैं, लेन का फॉर्मूला क्या करता है, ये बताता है कि सेल के अंदर में लेंथ काउंट कितना करता लेटर है। इसने बताया 12 लेटर। अब यहीं पे प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि सुजीत और कुमार के बीच में एक स्पेस ज्यादा काउंट कर रहा है, सुजीत 6 और कुमार 5। क्या, क्योंकि टी और के और टी के बीच में जो ऑल्ट एंटर वाला करेक्टर है ना, उसको बोलेंगे नॉन प्रिंटेबल करेक्टर, ऐसा करेक्टर जो प्रिंट में नहीं है, मतलब दिख नहीं रहा बट एक्चुअल में है। तो ये तो यहाँ पे एक काउंट बढ़ रहा है। इससे क्या प्रॉब्लम होगी, इससे प्रॉब्लम होगी कि कहीं आपने सुजीत कुमार इस तरह से लिखे होंगे और आप इसको आपस में मैच करेंगे तो ये मैच नहीं करेगा। देखने में दोनों एक जैसे हैं बट मैच नहीं कर रहा है, ठीक है ना सर? तो नहीं वी लुकअप में इफ में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ऐसे केसेस में हम लगाते हैं ट्रीम के साथ साथ क्लीन का फॉर्मूला। तो ट्रीम के जगह पे किसका लगाएंगे, क्लीन का। क्लीन फॉर्मूला नॉन प्रिंटेबल करेक्टर को क्लीन कर देता है। देखो 11 हो गया और यहां पे भी आ गया ट्रू, आ गया सर। बट एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई कि इसके बीच में स्पेस नहीं हुआ। अगर मान लीजिए मुझे सेपरेटेड स्पेस चाहिए होगा, तो इसको जानने के लिए मुझे सीखना होगा सबसे पहले फॉर्मूला ओ, जो कि किसी भी सेल वैल्यू के अंदर किसी अनोदर करेक्टर को किसी अनोदर करेक्टर से रिप्लेस कर दे। जैसे एग्जाम्पल 123.369. हमने 9852 कर दिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे करना है इनको जितने भी डॉट है उसको डैश कर देना है। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट नाम का फॉर्मूला है। सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला में हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ देते हैं डॉट और यहां देते हैं डैश, कि डॉट को डैश बना दो। क्या बना दो, डॉट को डैश। रिजल्ट आ गया। एक और फॉर्मूला होता है रिप्लेस, रिप्लेस का फॉर्मूला। रिप्लेस का फॉर्मूला क्या करता है, किसी भी सेल वैल्यू के अंदर नंबर ऑफ करेक्टर कि मुझे चौथे नंबर करेक्टर से एक करेक्टर को स्लैश कर देना।
तो रिप्लेस और सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला का काम एक ही है, बट करने का तरीका अलग है। सब्स्टिट्यूट करेक्टर को ढूंढता है, उसको रिप्लेस कर देता है, और रिप्लेस क्या करता है, पोजीशन को ढूंढता है और फिर उसको रिप्लेस कर देता है। अब ओके सर, यहाँ कौन सा फॉर्मूला वर्क होगा, यहाँ तो सब्स्टिट्यूट होगा क्योंकि ऑल्टरनेटर है ना, ऑल्टरनेटर करेक्टर है। हाँ तो यहां मैं लगाता हूं फॉर्मूला यहां पे सब्स्टिट्यूट का। अब सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला में इसको हमने सेलेक्ट किया और इन्वर्टेड कॉमा में दिया ऑल्ट एंटर, ठीक है। ओल्ड एंटर। लेकिन तो गड़बड़ हो गई, नीचे हाँ आ ठीक गया, है। नीचे आ गया मैं तो, गड़बड़ हो गई ना सर। तो कैसे करें, उस केस में ए काम आएगा, ये जो दिख रहा है ना सर, ए मतलब किसी भी एक सेल के ऊपर जाऊंगा, ऑल्ट एंटर प्रेस करूंगा तो टाइप हो जाएगा। अब मैं कोड के फॉर्मूला से इसको देखूंगा, कोड 10 है, मतलब कि अगर मैं कैर के अंदर 10 दिया तो सेम करेक्टर आएगा। तो यहां पे मैं फॉर्मूला देता हूं सब्स्टिट्यूट का, और सब्स्टिट्यूट फॉर्मूले में टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और यहां कैर फॉर्मूले में 10 दे दिया, और यहां पे मैंने बोल दिया स्पेस। हाँ यस सुमित कुमार सर, तो इन फ्यूचर में कभी ऐसा कोई करेक्टर आपको दिखता है जिसका कीबोर्ड में कुछ है नहीं, उस करेक्टर का कैर कोड फॉर्मूले से कोड निकाल लीजिए और फिर कैर के अंदर आप डाल सकते हैं इसको इजिली, ठीक है सर। ठीक है सर, लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेटेड सा लगा। हाँ थोड़ा हो सकता है, हालांकि इसका यूज उतना होता नहीं, लेकिन हाँ कैर फॉर्मूला का यूज आगे भी मैं बताऊंगा जितना मर्जी। अब बात करते हैं टेक्स ज्वाइन फॉर्मूला। उससे पहले कुछ छोटे मोटे फॉर्मूले जानते हैं, जैसे कि मैंने नाम लिखा सुजीत कुमार। अब इसको अपर लेटर में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास अपर का फॉर्मूला है जो कि अपर में कन्वर्ट करता है, फिर हमारे पास लोअर में कन्वर्ट करने की लोअर का फॉर्मूला है, लोअर में करता है, फिर हमारे पास प्रॉपर में कन्वर्ट करने के लिए प्रॉपर का फॉर्मूला है जो कि हर वर्ड का फर्स्ट लेटर बड़ा कर देता है, ओके। ओके सर, अब हम बात करते हैं टेक्स्ट ज्वाइन, दो टेक्स्ट को आपस में ज्वाइन कैसे करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे सुजीत और यहाँ हमने कुमार लिया, मुझे इसको ज्वाइन करना, तो ज्वाइन करने के लिए कॉनकेटा नेट का फॉर्मूला तो है ही, इसको हम एक सेल कॉमा दूसरा सेल, तो इसमें स्पेस देना है तो इन्वर्टर कॉमा में स्पेस दे के कॉमा दूसरा सेलेक्ट कर लीजिए। और एक और तरीका था एम्परसेंड का, कि हम पहले लेटर को लेंगे एन लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा में स्पेस देंगे, फिर एन लगाएंगे और इसको सिलेक्ट कर लेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो सुजीत कुमार आ जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम तब होगी जब हमारे पास नाम का एक लिस्ट होगा, एक इस तरह से ज्यादा भी हो सकता है। तो कॉनकेटा नेट तो लेता है वन बाय वन सेल सेलेक्ट करना तो हो जाएगा प्रॉब्लम। तो यहाँ पे दो फॉर्मूला जो कि नए एक्सेल में आए हैं, वो है पहला है कॉनकेट। कॉनकेट फॉर्मूला आपको क्या करता है, पूरे को कॉनकेट कर देता है इस तरह से, लेकिन स्पेस या कोई इस तरह का सेपरेटर नहीं देगा। सेपरेटर के साथ चाहिए तो होगा हमारा टेक्स्ट ज्वाइन का फॉर्मूला। इसमें आप दीजिए कॉमा, इसमें दीजिए ट्रू और इसमें दीजिए टेक्स्ट को सिलेक्ट और कीजिए एंटर। एंटर करते ही आपके सामने दिख गया पूजा मोहन कविता इंदर, आ गया सर। सर एक बार फिर से बता दो कैसे किया ये। हमने लगाया इसके लिए फॉर्मूला टेक्स्ट ज्वाइन, क्या लगाया, टेक्स्ट ज्वाइन ज्वाइन, ज्वाइन और हमने पहला दिया कि अच्छा मुझे सेपरेटर क्या चाहिए, ब्लैंक जो अगर खाली सेल हो उसको स्किप करना है तो ट्रू, और फिर आपने पूरा रेंज को सेलेक्ट कर लीजिए, सिंपल ठीक सा है सर, ठीक है सर, आ गया। लेकिन ठीक है सर। प्रॉब्लम तब होती है जब हम दो डेट को ज्वाइन करते हैं, जैसे एक इस तरह से हम ज्वाइन करना चाहते हैं तो क्या होगा सर, कि मैंने लिया यहाँ पे लिखा कि या यहाँ पे इन्वर्टर कॉमा में मैंने लिखा फ्रॉम स्पेस दिया एन परसेंट, हमने डेट को सिलेक्ट किया देन एन परसेंट स्पेस टू अगेन स्पेस
एन परसेंट, और हमने इसको सिलेक्ट करके एंटर कर दिया। क्या हो गया सर? आ गया नंबर। तो आपको पता है डेट एज ए नंबर स्टोर होता है, तो आप इसको डेट दिखाना है तो जो जो आप जहां जहां आपका डेट था उसको डाल दीजिए टेक्स्ट के अंदर। इसके अंदर टेक्स्ट, टेक्स्ट, और यहां इन्वर्टेड कॉमा में डी डी स्लैश एम एम स्लैश वाई, जो भी आपका डेट फॉर्मेट चाहते हैं उस तरह से डाल दें। और यहां भी टेक्स्ट, और यहां भी स्लैश डी डी डैश एम एम डैश वाई वाई, और एंटर कर। आ गया। क्लियर है? हाँ क्लियर है सर। तो हमने दो यहां पे दो चैप्टर किए, ये आप आज के लिए काफी है। आप इसकी प्रैक्टिस करें कल।